अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग स्टार्ट किए थे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, और उसमें जो अगली बात हम करें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में जितनी बातें थी और जो उसके क्वेश्चन थे वो हम डील कर चुके हैं। अब जो बात आती है कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन हैं जो कि आपके क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। अगर डोगर की बात की जाए तो डोगर में थोड़े से इससे ज्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन बाकियों को आप एक नजर बेशक देख लें। आते आपको पहले भी होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ज्यादातर आता नहीं है, जितने मैक्सिमम आते थे वो सारे मैं आपको कवर करा दूंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज है एब्सेस। आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक फीमेल की हुई थी मैस्टेक्टमी और अब वो आई आपके पास कि उसका जो वुंड है वो रेड हॉट टेंडर है और एक छोटी सी उधर गिल्टी सी बन गई है, तो बेसिकली और साथ उसको फीवर भी है, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि एब्सेस है। या फिर वो पूछते थे डायरेक्टली कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एन एब्सेस, आपको बता देते हैं कि एब्सेस उसे बन गई है, ठीक है। तो कोई भी सर्जिकल वुंड हो या वुंड ना भी हो तो आपको पता है कि एब्सेस तो वैसे भी बन सकती है। तो ये होती क्या है कि जब आपका किसी जगह पर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद एक पस, और पस बेसिकली होती क्या है, पस इज लाइक डेड, उसमें आपके पास ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें आपका डेड इन्फ्लेमेटरी मटेरियल होता है, उसके साथ आपके व्हाइट सेल्स होते हैं जो कुछ जिंदा होते हैं कुछ मरे होते हैं, वो सारे मिलके पस का मटेरियल बनाते हैं, और वही पस जब एक जगह पर कलेक्ट हो जाती है और उसको एक मेम्ब्रेन कवर कर देती है तो एक एब्सेस बन जाती है जिसको ड्रेन करना जरूरी होता है वरना वो गायब नहीं होती। तो बेसिकली आपसे पूछने की व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एब्सेस, तो आपने उन्हें बताना होता है कि तीन मेजर चीजें होती है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, उसके अलावा डेड टिश्यू है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो आए थे उस वक्त डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, लाइव भी कुछ हो सकते हैं, और आपके पास है तीसरी चीज डेड टिश्यू। डेड टिश्यू में सारी चीजें आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर और जो जो चीजें डेड हो चुकी हैं, ये सारी चीजें मिलकर व्हेन दे गेट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन तो डेवलप द एब्सेस, ठीक है। मोस्ट कॉमन पैथोजन आपसे इसका पूछते हैं तो स्ट्रेफ ऑरियस है, और भी आपके कर सकते हैं जितने भी आपके एंथ्रोप्स हैं, इकोलाइ, प्रोटियस, क्लेबशेला, सुडोमोनास, कोई भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन आपसे जो पूछेंगे तो आपने स्टेफ ऑरियस लिखना है। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, नॉर्मली एब्सेस का डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल होता है, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन की इसमें जरूरत नहीं होती, पेशेंट के फीचर्स ही आपको बता देते हैं और उसकी जो शक्ल होती है विजिबल उसी से आपको पता चल जाता है। बहुत डीप एब्सेस होती है जो बॉडी के अंदर होती है, जैसे आपकी लिवर एब्सेस बनती है वो बॉडी के अंदर होती है, ऐसे नहीं पता चल सकता, उसमें आप अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराते हैं, लेकिन जिस तरह हम सर्जरी की बात करें तो उसमें नॉर्मली आपकी सुपरफिशियल एब्सेसेस बनती है स्किन पे, तो वो तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में आ जाती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट होता है इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज, INDD, क्योंकि आप इंसिजन देते हैं उसको ड्रेन करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पस की हिस्ट्री क्या है, किस चीज की है, उस हिसाब से आपने उसके ड्रेनेज करके उसको खोलना होता है। जैसे कुछ एब्सेस जो सिंपली बनती है छोटे मोटे स्किन पे इन्फेक्शन की वजह से, वो आप सिंपली इंसिजन ड्रेनेज करते हैं, साथ एंटीबायोटिक दे देते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन जैसे अब लिवर एब्सेस की बात है, उसको आपने खोल के उसको अच्छे से सारी की सारी अंदर से साफ करनी होती है, उसके बाद आपने उसको देखना होता है कि कोई चीज रह तो नहीं गई, उसके लिए आपको ड्रेन भी डालना पड़ सकता है, ठीक है, ताकि दोबारा ना बन जाए। तो ओवरऑल जो आपने लिखना है वो एक इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी है। कुछ आपकी डीप एब्सेस ऐसी जिसमें आपको अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेड एस्पिरेशन करनी पड़ती है, ये जैसे लिवर एब्सेस होगी तो आप ऊपर से अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं और आप मटेरियल सारा एस्पिरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ध्यान से करने वाला प्रोसीजर होता है। जिस तरह आपने पेयर पढ़ा था कि पंक्चर, एस्पिरेशन, इंजेक्शन एंड री एस्पिरेशन फॉर हेपेटिक एब्सेस, आपकी हेपेटिक एब्सेस के लिए, ठीक है, और उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स लेने दिए और पस को कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देना, बस इतनी सी बात है। अगला जो इन्फेक्शन हमने पढ़ा है नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस है, ये बहुत ज्यादा आता है। आपके पास बार बार वो आपको बताते हैं कि एक फीमेल आपके पास आई है, मेल आपके पास आया जिसको कोई इन्फेक्शन हुआ था और अब उसकी स्किन पे वाइड स्प्रेड एरिथमा हो गया और उसकी ब्लिस्टरिंग हो गई है या बुल्ले बन गए बड़े बड़े अलॉन्ग विद नेक्रोसिस ऑफ द स्किन टिश्यू, शदीद पेन है, ठीक है। तो अब आप देख लें कि इसको आपने बाकी चीजों से डिफ्रेंशिएट करना बहुत आराम से हो जाता है जब आपको वो आपने गौर से सिनेरियो को पढ़ना है, दो तीन चीजें बिल्कुल मिलती जुलती रखते हैं। अगर आपको सिर्फ वो कहते हैं कि स्किन पे उसको लोअर लिम की बात करते हैं कि टांग थी, टांग पे उसको शदीद किस्म का दर्द, हॉट टेंडर रेड हो गई है विद नो ब्लिस्टरिंग और बुल्ले, तो वो सेलुलाइटिस होता है, ठीक है, ज्यादातर लोअर लिम्स पे होता है एडल्ट्स में, बच्चों में चलो डिफरेंट है, बच्चों में हेड एंड नेक पे भी हो सकता है, नियोनेट्स में अम्बिलिकल रीजन पे हो सकता है, लेकिन बड़ों में एडल्ट्स में टांगों पे होता है। टांगों का ही आपको बताएंगे सिनेरियो देंगे, वो कहेंगे कि रेड हॉट टेंडर होगी है वो जगह, शदीद पेनफुल है और कोई ब्लिस्टरिंग या बुल्ले का जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर वो सेलुलाइटिस है। अगर वो साथ बुल्ले का जिक्र कर दे, बुल्ले का मतलब होता है बेसिकली जो आपके बड़े बड़े ऐसे छाले से पड़ जाते हैं, जैसे जलने के बाद किसी जगह बड़े बड़े छाले पड़ते हैं पानी वाले, उसको बुल्ले कहते हैं। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इज बेसिकली इन्फेक्शन जिसमें आपकी स्किन, सुपरफिशियल और डीप फेशिया इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स नहीं इन्वॉल्व होते, ठीक है, और इसको हम कहते हैं नॉन क्लॉस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन, क्योंकि इसमें क्लॉस्ट्रीडियम भी नहीं होता आपका ऑर्गेनिज्म।
तो होता है कि स्किन से जो डीफेशिया इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी इन्फेक्शन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिसमें वाइड स्प्रेड पहले बुल्ले बनते हैं फिर नेक्रोसिस हो जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने डायग्नोज करना होता है। तो इसकी दो टाइप्स है, तो टाइप वन है ना उसमें पॉलीमाइक्रोबियल एटियोलॉजी होती है। पॉलीमाइक्रोबियल का मतलब है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में मिले हुए होते हैं उसमें, और उसमें आपकी कोलीफॉर्म्स भी हो सकते हैं, स्टेफ भी हो सकते हैं और बैक्टीरियोइड्स भी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता होता है पेरी एनल रीजन में, एक बच्ची थी उसको हो गया है इसी तरह का नेक्रोसिस ऑफ द स्किन विद लार्ज बुल्ले, आप बताएं उससे क्या हुआ है। उसमें आपने उसको नेक्रोटाइजिंग फेशियटिस ने लिखना होता, आपने लिखना होता है फोर्नियर्स गैंग्रीन, ये लिख लें अपने पास, हम ना इग्नोर कर देते हैं, याद नहीं रहता हमें कि जो नेक्रोटाइजिंग फेशियटिस आपका पेरी एनल एरिया में होगा ना उसको आपने फोर्नियर्स गैंग्रीन कहना है, तो जो नेक्रोटाइजिंग फेशियटिस आपका एब्डोमिनल वॉल में होता है उसको आप मेलेनेज कहते हैं, ये याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद अगली बात ये है कि ये तो टाइप वन है, टाइप वन पॉलीमाइक्रोबियल एटियोलॉजी वाले, और पॉलीमाइक्रोबियल ही है जो कि पेरिएनल एरिया में भी होता है और एब्डोमिनल वॉल में होता है। तो टाइप टू है ना वो आपका सिंपल एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, विच इज बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इसका डायग्नोसिस नॉर्मली क्लिनिकल होता है, आपको नजर आता है पेशेंट की हिस्ट्री होती है, बता देती है कि स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन है, क्रेपिटस है, बुरी स्मेल आ रही है, सवेर वूंड पेन है और साथ बुले बने हुए, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन शुरू हुई है। तो आपने इसमें क्या करना है, फौरी तौर पे इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी सर्जिकल डिब्राइडमेंट करनी है वूंड की, ठीक है, फौरी तौर पे ओटी में लेके जाना है। और इसमें होता है कि कई दफा आपको ओटी जाना भी पड़ सकता है, इतनी इसमें इमरजेंसी होती है, ठीक है, बार बार आप उसको डिब्राइड करते हैं। तो इमरजेंसी सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ द वूंड अलॉन्ग विद एग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट, पेशेंट बहुत डिहाइड्रेटेड, बहुत ज्यादा हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा होता है, एग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट बाय आईवी फ्लूइड्स, एनोट्रोपिक्स, व्हाटएवर इज नीडेड। और तीसरी चीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैवी एंटीबायोटिक्स, कार्बापेनम्स, मेट्रोनिडाजोल वगैरह देते हैं आईवी लाइन से, ठीक है। तो आपने याद रखना है। फिर सेलुलाइटिस आ जाता है, तो सेलुलाइटिस के बारे में मैंने जैसे आपको पहले बता दिए, रेड हॉट टेंडर स्किन है आपका, ये भी इन्फेक्शन ही होता है, और ये भी आपका बेसिकली होता है सुपरफिशियल फेशिया डर्मिस का ही है, ठीक है, मतलब ये आपका लिमिटेड होता है स्किन तक बेसिकली, ये आपका ज्यादा उससे नीचे नहीं आता। जो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस है ना, ये नाम से पता चले फेशिया तक आ जाता है, लेकिन सेलुलाइटिस बेसिकली स्किन तक ही रहता है और इसमें सेपरेशन नहीं होती। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में तो वाइट स्प्रेड सेपरेशन यानी पस प्रोडक्शन हो जाती है, सेलुलाइटिस हली रेड हॉट टेंडर करता है जगह को। तो इसमें भी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आपसे पूछते हैं, तो आपने याद रखना है कि इसका जो मोस्ट कॉमन है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है सबसे कॉमन, सेकेंड पे स्टेफ है। अच्छा क्लिनिकल फीचर्स मैंने इसके बता दें, एक्सपेंडिंग एरिया एरिथेमा, रेडनेस है, वॉर्म है, टेंडर है और स्वेलिंग है, ठीक है, इनडिफाइंड बॉर्डर्स है, ये इसकी फीचर्स होंगे विद नो सेपरेशन एट ऑल। ज्यादातर बड़ों की सिनेरियो आएगा और टांगों का आएगा। ट्रीटमेंट इसमें हमने क्या करनी होती है कि सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है और वो आपको आईवी लाइन से भी देनी पड़ती है, ज्यादातर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, अलोंग विद ऑफ कोर्स ये बात है अच्छा वाला एनर्जीजिया, पेन किलर्स इन द फॉर्म ऑफ एनसेड्स हैवी वाले एंड लिम्ब एलिवेशन, और सपोर्टिव थेरेपी अगर पेशेंट को जरूरत है कोई भी सर्कुलेटरी या फिर आईवी फ्लूइड्स वगैरह की सपोर्टिव थेरेपी, बस ये आपने लिखना है, दैट्स इट। फिर आपकी एक और कंडीशन आती है जो आपने कभी शायद कम कभी सुनी है, उसमें सिनेरियो ऐसे आता है कि एक फीमेल आपके पास आएगी जिसको फीवर है और उसको देखा है तो मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसिस बने हुए हैं इन हर एक्सिलरी रीजन, तो बताएं उसको क्या है। तो मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसिस जब एक्सिलरी रीजन में होते हैं ना तो उसका बेसिकली डायग्नोसिस होता है हाइड्रोटेनाइटिस सपोरेटिवा। ये क्या है जी, ये एपोक्राइन ग्लैंड्स है ना जो आपके, उनका एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है। इसमें ज्यादातर फीमेल्स को इफेक्ट करता है और सबसे कॉमनली इफेक्ट करता है ये आपके एक्सिलरी या ग्रोइंग रीजन को। इसमें होता यही है कि आपके जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है ना उन एरिया में इन्फेक्शन होता है, सेपरेशन होती है, उनके आगे से पोर खुल जाती है और साइनसिस से बन के डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। तो आपका सिनेरियो टिपिकल सही आता है, ठीक है, मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसिस इन द एक्सिलरी रीजन वाला। तो उसमें आपने हाइड्रेटेनाइटिस सेपरेटिवा लिखना होता है, इसकी फिर ट्रीटमेंट पूछते हैं। थोड़ी बहुत अगर हो ना, मतलब जैसे एक दो साइनसिस है तो आप एंटीबायोटिक थेरेपी से ही गुजारा करते हैं। ज्यादातर आपको इसमें एंटी एनरोबिक थेरेपी की लाजमी जरूरत होती है, यानी मेट्रोनिडाजोल की एनरोब्स के अगेंस्ट, क्योंकि ज्यादातर ये एनरोब्स की वजह से होते हैं, फीमेल्स में कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इससे काम नहीं चलता तो फिर आपको वाइड स्प्रेड सर्जिकल एक्सीजन करनी पड़ती है उस एरिया ऑफ द स्किन की, और उसको नए स्किन ग्राफ्ट से कवर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो सिनेरियो आता है ना टिपिकली, उसमें हमें स्किन ग्राफ्ट की जरूरत ही होती है कि वाइड स्प्रेड सर्जिकल एक्सीजन एंड ग्राफ्ट से उसको कवर करना, ये उसकी ट्रीटमेंट है, दैट्स इट, ठीक है, ओके।
उसके बाद है इनग्रोइंग ऑफ द टोनेल, ये भी बहुत ज्यादा आता है। इसमें कहते हैं कि आपके पास फीमेल आई है उसकी कंप्लेन है कि उसका जो टो का नेल है बिग टो का वो बहुत ज्यादा पेन कर रहा है और उसकी इनग्रोइंग हो गई है, तो आप बताएंगे क्या करें। इसकी कंडीशन को हम बेसिकली कहते हैं अंगुस इनकार्नेटस। होता है कि जो आपका बड़े बिग टो का नेल है ना, सबसे कॉमनली ये इफेक्ट होता है, ये इसकी अंदर वाली तरफ से ग्रोथ शुरू हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज में, ठीक है। ज्यादातर आपका बिग टो इफेक्ट होता है पाओ का और उसकी लैटरल साइड, ठीक है, ऐसे करके पाओ है ना, तो ये आपका लैटरल साइड ऑफ बिग टो इधर अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं। ज्यादा सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जाएगा तो सॉफ्ट टिश्यू को वो करेगा पेनिट्रेट करते हैं, उससे पेन होगी वहां पर, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसका भी कोई डायग्नोसिस के लिए आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको देखने में पता चल जाता है। ज्यादातर जो लोग या तो जूते बहुत टाइट पहनते हैं या फिर जो इन्फेक्शन होते हैं या फिर जो सही से नाखून नहीं काटते उनमें कॉमन होता है ये, ठीक है। कई बार तो उसकी वजह से इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि डिस्चार्जिंग साइनस बन चुका होता है वहां पर, ठीक है, बाकायदा तौर पर, मतलब पस निकल रही होती है उस जगह से इनग्रोइंग की वजह से। आपसे पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है, तो आपने इसमें क्या बताया ना कि आपने उसको एडवाइस देनी है कि प्रॉपर फुटवेयर जो है वो खुला मतलब पहने साइज के हिसाब से, प्रॉपर कटिंग ऑफ द नेल्स करे कि सेंटर से ज्यादा और साइड से थोड़े थोड़े छोड़ दे, बहुत ज्यादा भी कोने काटने की जरूरत नहीं होती, ये वाली जगह और ये वाली जगह भी नेल्स के अंदर जा रही होती है स्किन के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर उससे हाली मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कोई फैक्टर नहीं है और उसका इंप्रूविंग ऑफ द नेल बिला वजह हो रही है, तो आपने क्या करना होता है कि एज ऑफ द नेल को नेल बेड से थोड़ा सा उठाना होता है, जो आपका ग्रो कर रहा है ना नेल जरूरत से ज्यादा, नॉर्मल वाला नहीं जो जरूरत से ज्यादा, उसको आपने उठाना है। उसको क्या करते हैं कि पानी को पाओ को पानी में थोड़ी देर डुबो के रखते हैं, नरम हो जाता है नाखून, नरम हो जाते हैं तो उसके नीचे कॉटन की विस्प डाल देते हैं ताकि वो बेड से एलिवेटेड रहे ताकि वो मजीद ग्रो ना करे। और अगर आपका इन्फेक्शन भी हुआ है तो फिर आपने उसका एक ही तरीके कि आप नेल रिमूव कर दें ऊपर से, ठीक है, ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। नेल रिमूव करने के बाद भी अक्सर लोगों में रिकरेंस हो जाती है, उसकी वजह से फिर आपने करना होता है कि आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कफ। अच्छा, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है कि आप उसको रिजेक्ट करके नाखून को फिर आप उसकी फिनोल एब्लेशन करते हैं, फिनोल जब से आप उसको ट्रीट करते हैं तो रिकरेंस नहीं होती, ठीक है। और अगर फिर भी रिकरेंस होती है तो फिर आपका एक ही हल होता है कि आप नेल को नेल बेड समेत रिमूव करें, तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते इतना नहीं करते, यहां से आप शुरू करने होते नीचे आते जाना जैसे मैंने आपको बताया। फिर है माइसिटोमा। माइसिटोमा ये कि जो ज्यादातर आपके कट्स वगैरह हुए होते हैं ना पाओ में, वहां पर आपका फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि डिफरेंट तरह का होता है, थोड़ा उसको माइसिटोमा कहते हैं, स्पेसिफिक फंगस और स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से ज्यादातर ये आपका छोटे छोटे माइनर कट्स में होता है और उन लोगों से जिनके पाँव ज्यादा गीले रहते हैं उनमें कॉमन होता है। तो जो वॉशरमैन फीट होते हैं, जो कपड़े शपड़े धोते हैं उनमें ये कॉमन भी हो जाता है, अगर उनके पाँव में कोई जख्म है कोई कट है जो फंगस की वजह से होता है उसको हम कहते हैं यू माइसिटोमा, वो ट्रू होता है, ठीक है, ब्लैक कलर की फंगस होती है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं एक्टिनो माइसिटोमा, क्योंकि वो फॉल्स होता है। तो जो आपका इसका भी डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है कि पाउ जो है वो सूज जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल पस डिस्चार्जिंग साइनसिस बन जाते हैं जिनसे डिस्चार्ज पस निकलती है, ठीक है। दोनों की पिक्चर तकरीबन बिल्कुल सेम होती है फंगल और बैक्टीरियल की, लेकिन फर्क ये होता है कि जो बैक्टीरियल है वो ज्यादातर डिफरेंट कलर्स की उसकी वो अपेयरेंस आएगी, डिफरेंट येलो भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है उसकी पस, फंगल वाले की हमेशा ब्लैक होती है, ठीक है। ये माइसिटोमा की कैरेक्टरिस्टिक है। हमारे पास जिसका सिनेरियो आता है वो ये आता है कि वो कोई ऐसा बंदा जिसके पाँव ज्यादा गीले रहते हैं उसका सिनेरियो देते हैं कि पाँव स्वॉलन था, उसमें मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसिस बन चुके थे, तो डायग्नोसिस पेन इतना ज्यादा नहीं होता इसमें, लेकिन ज्यादातर वो आपको बस इतना सा बताते हैं माइसिटोमा उसका डायग्नोसिस होता है, ठीक है। टाइप्स भी मैंने आपको बता दी। ट्रीटमेंट में इसकी ये करनी है कि पहले ही हमने आइडेंटिफाई करना है कि बैक्टीरियल है वायरल उसका फंगल है, ठीक है। उसके लिए आप उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लें वही बेहतर होता है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बैक्टीरियल होता है तो आपने रेजिमेंट जो एंटीबायोटिक का देना होता है वो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्सासोल टीएमपी और सल्फामेथॉक्सासोल प्लस डैप्सोल, ठीक है, ये देना है 5 हफ्तों के लिए देंगे और साइकिल को रिपीट भी कर सकते हैं, इतनी लंबी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। साथ एडवाइस देंगे कि पाँव को गीला ना रखें और कोई कट वगैरह लगे तो अच्छे हाइजीनिक मेजर्स अपनाया करें। और अगर फंगल है तो उसके लिए फिर आपने एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल डिब्राइटमेंट करनी है, ठीक है। सर्जरी आपका लाजमी रिकमेंडेड होती है फंगल में, वरना वो ठीक नहीं होता, अलॉन्ग विद द एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है जी। और अगर जरूरत पड़े तो फिर आपको वही बात है कि आप उसको ग्राफ्ट से भी कवर कर सकते हैं बाद में। आखिरी चीज रह गई थी टिटनेस। सबको पता है आपको, बहुत बार सिनेरियो का फार्मर था, उसमें काम कर रहा था फील्ड में, उसे चोट लगी, अगले दिन प्रेजेंट किया कि उसको लॉक जो हो गया टाइटनिंग ऑफ द मसल्स हो गई है, पता है उसको क्या हुआ, यही कॉमनली सिनेरियो था, टिटनेस आग हो गया उसे। टिटनेस की
जो आपको पता है कि हो जाता जाता है, इस तरह का वुंड जो किसी गंदी जगह से हो, वहां पर टेटनेस होना बहुत कॉमन सी बात है। डायग्नोसिस करने के लिए इसका क्लिनिकल होता है, नॉर्मली जरूरत नहीं होती किसी चीज की। ट्रीटमेंट में हमारे पास चार चीजें होती है, सबसे पहले जो टॉक्सिन अंदर जा चुके टेटनेस टॉक्सिन जो अनबाउंड है उसको न्यूट्रलाइज करना। उसके लिए आपने पहली चीज जो देनी है वो है ह्यूमन टेटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, HITG। पहले आपने न्यूट्रलाइज कर दिया जो टॉक्सिन अनबाउंड है उसको। उसके बाद मजीद टॉक्सिन प्रोडक्शन को रोकने के लिए आपने क्या करना है कि वुंड की अच्छे से डिब्राइडमेंट करनी और बहुत अच्छे से उसको धोना है, साफ सफाई कर दी वुंड की, और आपने फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स दे दी, एनरोबिक मेट्रोनिडाजोल वगैरह, ताकि फौरी तौर पे वो जो मजीद टॉक्सिन है वो अंदर ना जाए। फिर जो पेशेंट की सिम्टम्स है उनको ट्रीट करना है, जैसे पेशेंट को स्पैज्म हो रहा है तो उसको एक अच्छे अकेले कमरे में ले जाए जहां पर कोई भी आवाज शोर शराबा ना हो, उसका एयरवे प्रोटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करें कि अगर कहीं उसको एयरवे के मसल्स का स्पैज्म हो रहा है तो आप उसको ड्रिप अकॉर्डिंगली ओरोफेरिंजियल एयरवे, या फिर अगर उसके वेंटिलेटर और ETT की जरूरत है तो वो डाल दें, लेकिन उसको आपने खास ख्याल रखना है। और अगर वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में जा रहा है तो फिर आप उसको कोई बेंजोडाइजेपिन यानी सेडेटिव्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है। उसके साथ उसकी वही सपोर्टिव केयर है, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, एंड बाद में वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट टेटनेस। तो ये आपकी इसकी ट्रीटमेंट रेजिमेन है। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, आई एम सॉरी बीच में फॉर द कफ, किसी कोई मसला हो कि नासमी, थैंक यू।